चलो फटाफट से वाइप देख लेते हैं, हाँ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाइप, सिस्को वाइप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, फटाफट से देख लो फिर ख़त्म करते हैं क्लास। ओके आज काफ़ी टाइम हो गया ना। चलो तो वाइप की कॉन्फ़िगरेशन, हाँ देखो 6 स्टेप में वाइप की कॉन्फ़िगरेशन हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस और राउटर। चलो पहले ना टोपोलॉजी बना लेते हैं सिंपल पैकेट ट्रेसर पे। हाँ ऑन राउटर ऑन स्विच इनटू आईपी फोन्स कनेक्टेड विद केबल्स। वाइप कर रहे हैं ठीक है, इस इंटरफेस को आईपी देंगे अपन 192.168.1.0.1। इसको डीएससीपी से आईपी दिलाएंगे एंड इस फोन को भी डीएससीपी से आईपी दिलाएंगे। ओके दो मिनट चैट में आप कुछ भी मत लिखो ठीक है। अरे ये होने के बाद बताता हूँ फिर ठीक है, फिर क्लियर करता हूँ मैं। ओके अब हमने टोपोलॉजी बना ली, उसके बाद फटाफट से आईपी फोन्स की पावर केबल्स लगा लेते हैं। ठीक कॉन्फ़िगरेशन करें, पहला स्टेप कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर कर लें फटाफट से। अपना इंटरफेस कौन सा है, F0Y0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1.255.0 नो शट एक्सेप्ट। पहला काम हो गया, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। दूसरा काम करें, एक एक्सक्लूडेड रेंज देनी है कि भाई उस आईपी को दूसरे पर असाइन ना करे राउटर। ठीक है, अपने डिफ़ॉल्ट राउटर जो राउटर है गेटवे उसका 1.1 है और वही आईपी प्रोवाइड कराएगा 1.1, तो उस रेंज का कोई और आईपी आईपी फोन्स को ना दे दे, इसीलिए हम एक एक्सक्लूडेड रेंज का आईपी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आईपी डीएससीपी सॉरी एक्सक्लूडेड रेंज 192.168.1.1 लो आईपी दे रहे हैं एंड हाई भी यही है। ठीक है, इस रेंज इस आईपी को वो असाइन ना करे। ठीक है, बाकी किसी भी आईपी को असाइन कर सकता है, आईपी फोन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग, थर्ड क्रिएट डीएससीपी पूल। ठीक है, एक डीएससीपी पूल बनाते हैं फटाफट से, आईपी डीएससीपी पूल, पूल का नाम रख लो सिस्को वाइप नेटवर्क 1.0 सबनेट मास्क, डिफॉल्ट राउटर अपना रहेगा 192.168.1.1। डीएनएस देना चाहते हो तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दोगे तब भी मैंने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ
अब एक ऑप्शन 150, अगर आपने डीएससीपी पूल कभी कॉन्फ़िगर किया होगा तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं ऑप्शन 150 यूज़ होता है वाइप के लिए, ठीक है 150 आईपी। अब आपको भाई ये बताना है यहाँ पे कि आईपी फोन्स को आईपी कौन देगा, तो राउटर देगा, और राउटर का आईपी क्या है 1.1, तो वही बताना है यहाँ पे। हमारे केस में ये दे रहा है, आपके कहीं और डिवाइसेस लगे होंगे जब आप जॉब करने जाओगे, कहीं और लगे होंगे तो वहाँ आप उस तरीके से डिफाइन करोगे, सिंपल एंड एग्जैक्ट। फोर्थ स्टेप, इनेबल सर्विस ऑफ वॉइप, सर्विस इनेबल करनी है टेलीफोनी सर्विस। यहाँ आपको बताना है कितने मैक्सिमम मैक एड्रेस हैं, मतलब आईपी फोन्स कितने हैं, डीएन टू दो है ना, मैक्स ई फोन्स टू, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा आईपी उनको प्रोवाइड करा रहा है, सोर्स एड्रेस 96.1.1, एंड यहाँ हमें डिफाइन करना है पोर्ट और 2000। फोर स्टेप हो गए हमारे, नाउ फिफ्थ, क्रिएट वर्चुअल इंटरफेस फॉर वॉइप। तो हम एक इंटरफेस बनाएंगे और इन दोनों एक इंटरफेस बनाएंगे और इन दोनों को एक एक नंबर असाइन करेंगे। जैसे कहीं आप जाते होगे होटल वगैरह में 101, 102, 1110, ओके इस तरीके के नंबर होते हैं ना, वही हम एक नंबर इसको असाइन करेंगे, ठीक है यहाँ पर। तो E-phone-DN-1, पहले वाले को नंबर क्या देना चाहते हो आप, मैं नंबर दूंगा इसको 101, एक्सेट एंटर। नाउ ई फोन हाइफन डी एन टू, इसको क्या नंबर दोगे आप, नंबर 102, एक्सेट ओके। हमारा फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया, 9, 6। अब हमें फोन्स को इनेबल करना है, राइट फोन्स को क्या करना है, इनेबल करना है। तो मैं पहले फोन को इनेबल करता हूँ, E-phone 1। टाइप जो इस टाइप का हमने आईपी फोन लिया है वो टाइप है 7960, और एक हम लाइन दे देंगे इसको 1, ठीक है। अब एक क्या एरर दे रहा है, नीड टू कॉन्फ़िगर ई फोन्स मैक एड्रेस और वीएम स्टेशन आईडी, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल कुछ करना नहीं है, अपने आईपी फोन में जाना, फिजिकल में जाना, पावर केबल को रिमूव करना है एंड दोबारा से पावर केबल को लगा दो, सिंपल। कॉन्फ़िगरिंग आईपी, थोड़ी देर वेट करो, वेट करते हैं थोड़ी देर, ये हो रहा है, ठीक है टाइम लेगा ये थोड़ा सा। अभी ये आईपी असाइन कर देगा आपका, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है रेड आ गया, कॉन्फ़िगरिंग सीएम लिस्ट, और ये आईपी कॉन्फ़िगर हो गया होगा, देखते हैं मैसेज आया कि नहीं, वेट करो 2 मिनट। वन डॉट टू मे बी 1.2 असाइन हो जाएगा पहले आईपी फोन को,
भी आई पी एस आज नहीं हुआ है इसको। वो कमांड एक बार फिर से चला लो, ई फोन वन टाइप 7960 एंड वो एरर मैसेज नहीं आया ना, क्योंकि आईपी फोन ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया यहाँ पे, इसीलिए वो एरर नहीं आया। और देखो इसने रजिस्टर्ड कर लिया और इसे आईपी मिल गया क्या 1.2, क्या आईपी मिल गया इसको 1.2। उसके बाद अब दूसरा कर ले फटाफट से, ई फोन टू टाइप 7960 बटन। यहाँ डिफरेंट लाइन देंगे ना इसको, वहां 1:1 दिए या 1:2 डिफरेंट लीज लाइन। अब देखो यहाँ भी वही आ रहा है, नीड टू कॉन्फ़िगर ई फोन मैक एड्रेस ऑफ वीएम स्टेशन आईडी। सिंपल, जाना है अपने आईपी फोन पे, फिजिकल पावर केबल को रिमूव करना है, वापस से प्लग इन करना है एंड जीयूआई। सिंपल आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेगा भी है। वेट करते हैं थोड़ी देर, बस थोड़ी देर वेट करते हैं, हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होता है विकास जी, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वेब को लोकल एरिया नेटवर्क में। और बाहर करते हैं तो डिफरेंट लाइन, आप अपने आईएसपी से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको एक वॉइस की लीज लाइन अलग देंगे, ठीक है जी। अपने आईएसपी से कांटेक्ट करेंगे तब वो आपको एक अलग दे देंगे लाइन, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा टाइम लेता है ये रजिस्टर्ड होने में। ओके, ये रजिस्टर्ड हो गया, कॉन्फ़िगरिंग सीएम लिस्ट, ये रेड हो गया वापस से। ओके, कॉन्फ़िगरिंग आईपी नाउ, वापस से जाना है यहाँ पे, चेक करते हैं एक बार फिर से, ई फोन टाइप 7960 बटन 1:2। अब एरर मैसेज नहीं आया, एग्जिट, वेट करो इसे भी आईपी मिल जाएगा। वन डॉट थ्री ई फोन टू को 1.3 असाइन हो गया आईपी, ठीक है। इसको भी आईपी असाइन हो गया 1.2 एंड 1.3 ना, टेस्टिंग कर ले। ठीक है, 101 इसका नंबर है पहले आईपी फोन का, 102 किसका है दूसरे का नंबर है, तो 102 अभी रिंग हो रहा है कि नहीं 101। ओके, डन है फिर। मैं नहीं उठाऊंगा चलो बंद करते हैं। उठा लिया ना, लो कनेक्टेड, सिंपल। चलो फिर